जब मणिपुर में वो एक समय था हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किस थी मणिपुर में, किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अभिमान एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी?